मैगी भी ख़त्म हो गई, 5 ही पैकेट थे जो मैंने बना लिए। क्या हो गया जी? कुछ नहीं, तूने काजू बादाम मंगवाए थे। जाते शुरू हुई है खाने और आते वक्त खाती रही है बस। मेरे सारे दोस्तों ने ना मेरा मजाक ही बना दिया आज तो। और एक ना दारू की पेटी भी ले आना, अंग्रेजी वो अंग्रेजी पीता है। जब मेरा साला भी आ रहा है यहाँ फिर पे। साला आप बोल रहे हो? अरे साले को साला ही बोलूंगा। ओ ध्यान से यार, ध्यान से। 25,000 वाली तो बोतल तोड़ दी इसने। यहाँ पे रख के ना ऐसे 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 डांस कर रहा था वहां। मम्मी जी क्या कर रहे हो? बस बेटा स्टोरी लिख रही थी। स्टोरी तो लिख लो। और काजू बादाम ले आया जी मैं, ज्योति ने मंगवाए थे। दुकान वाला भी परेशान हो गया। मम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? वो बोल रहा था कि जितने का तुम्हारे घर का राशन जाता था ना महीने में, उतने के तो तुम्हारे काजू बादाम जा रहे हैं घर पे। यार मम्मी आप हंस रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, बहू जो खाती है वो तो लाके देना पड़ेगा ना। नहीं खाती तो ठीक है मम्मी, जो खाना है उसे मिल रहा है, लेकिन इतना खाना गलत है मम्मी, आप थोड़ा समझाया करो उसे। अब कहाँ पे है? अंदर है, जाके देख ले। अब भी लगता है कुछ ना कुछ चर ही रही होगी अंदर। चल देख तो सही। चलो जा रहा हूँ, उसे काजू बादाम भी दे देता हूँ। ठीक है बेटा। मैगी भी खत्म हो गई, 5 ही पैकेट थे जो मैंने बना लिए। इनको बोलूंगी पेटी ले आएंगे मैगी की। ज्योति क्या होगा जी? क्या हो गया जी? कुछ नहीं, तूने काजू बादाम मंगवाए थे। ले आया आप? ये तो ले आया, लेकिन इतनी मैगी कौन खाता है ज्योति? इतने पैकेट बना के बैठी है तू। इतनी मैगी तो मैं खा लेती हूँ। अरे बात सुन, मैं तुझे इसलिए बोल रहा हूँ कि शाम को ना हमने पार्टी में जाना है, थोड़ा कम खाइयो। अच्छा पार्टी में जाना है? हाँ मैं अभी तैयार होती हूँ। अभी नहीं जाना यार, शाम को जाना है। क्या टाइम हो गया? अभी तो 4 बजे हैं। 7 बजे रेडी हो जाना। चलो ठीक है। और एक काम और कर देना आप, एक ना मैगी की पैकेट तो मैं खत्म हो गए, तो आप पेटी ले आना। मैगी की पेटी? हाँ बस कर अब और ना। अरे यार ये तो खाने दो आप। मम्मी मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ हाँ मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मम्मी मैंने ना खाना बना दिया है, आप खा लेना। हाँ बेटा मैं तो खा लूंगी, पर बेटा तू ना एक बात का ध्यान रखना, पार्टी में ना थोड़ा हिसाब से खाना, उसके सारे दोस्त होंगे, ऐसा ना हो उसकी इंसल्ट हो जाए आशु की। ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी। हाँ घर आके खा लेना खाना। ठीक है मम्मी। आशु। हाँ जी मम्मी, हो गया मैं भी रेडी। अच्छा हाँ चल, ज्योति भी होगी है तैयार। चलो। और ज्योति, मम्मी आप ज्योति को समझा दो कि वहां पे थोड़ा कम खाए। ठीक है? ठीक है जी। आते हुए किसी रेस्टोरेंट से पैक करवा लेंगे खाना, वहां पे थोड़ा कम खाना बस। ठीक है जी। चलो मम्मी चल ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है मम्मी, आप खाना खा लेना मम्मी। ठीक है। बस शूज डाल ले मैंने। ज्योति
तेरे भाई का फोन आ रहा है। ये तेरे भाई का फोन? हाँ। आ गए बेटा आप लोग? हाँ मम्मी आ गए। चलो अच्छा रहा फंक्शन। कहाँ का अच्छा मम्मी, ज्योति ने वही काम कर दिया मम्मी। जाते शुरू हुई है खाने और आते वक्त खाती रही है बस। मेरे सारे दोस्तों ने ना मेरा मजाक ही बना दिया आज तो। उन्होंने तो इसका नाम भी रख दिया है, भाभी नहीं बोल रहे थे इसे, चटोरी बहू बोल रहे थे इसे। बहुत खाया मम्मी इसने, बहुत खाया। अब इसके भाई का फोन आया था, अंदर चली गई। मैंने कितना समझा के भेजा था इसे कि घर आके खाना खा लेना। तूने भी बोला था कि रेस्टोरेंट से मंगवा देंगे, पर पार्टी का नाम सुन के ये तो बहुत खुश थी। क्या करें मम्मी, अब कैसे सबक सिखाएं इसे मम्मी। बेटा ये तो झेलना पड़ेगा। कुछ तो सोचो आप मम्मी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अभी देख ले शाम को 4-5 बजे तक मैगी भी खा के गई है। और चलो मैं कपड़े चेंज कर लूं मम्मी। ठीक ठीक है ठीक। हे भगवान, बहू तो हर जगह इंसल्ट करवाती जा रही है हमारी, कैसे समझाएं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मुझे तो। हाँ हाँ भैया आप ना आ जाओ, मैं 1 महीने से ना पहले नहीं जाने दूंगी आपको। ससुराल तो है यहाँ पर, तो ना मेरा राज चलता है। हाँ भैया आप आ जाओ, मैं ना सुबह सारी तैयारी करके रखूंगी। ठीक है भैया। बात सुनो मेरी, थोड़ा सा ना सामान नोट कर लो आप। क्यों, सामान किसके लिए चाहिए? अब मेरा ना भाई आने वाला है सुबह। तेरा भाई? मेरा साला आने वाला है। साला को कह रहे हो आप उसको? और यार साले को साला ना बोलूं तो और क्या बोलूं उसे। चलो बोल लो आप सामान नोट करो। ला मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। बोल। 5 पेटी ना पानी की लिया ना, और 5 पेटी कोल्ड ड्रिंक की लिया ना, ठीक है, और अंडे की ट्रे 5 ले आना, और एक ना दारू की पेटी भी ले आना, अंग्रेजी वो भी, वो अंग्रेजी पीता है। ज्योति ये सब तो ठीक है, 5 पेटी पानी की। हाँ जी। और 5 कोल्ड ड्रिंक, सर्दी इतनी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? वो तो पीता है। और यार दारू की पेटी पूरी? हाँ यार। कितने दिन के लिए आ रहा है वो? 1 महीने के लिए आ रहा है वो। 5 किलो तो रसगुल्ले ले आना, 5 किलो और नमकीन ले आना, बाकी सामान ना मैं कल बता दूंगी आपको। हे भगवान इतना सामान? हाँ जी। ज्योति पहले तू भूखड़ कम थी इस घर में, जब मेरा साला भी आ रहा है यहाँ पे। फिर साला आप बोल रहे हो? अरे साले को साला ही बोलूंगा और क्या बोलूंगा उसे। ये जाओ 5-5 किलो 5 किलो। आ गए भैया? हाँ दीदी आ गया। मैं तो ना सुबह की पहली बस पकड़ के ही आ गया, मैंने सोचा कि नाश्ता भी वही जाकर ही करूंगा। हाँ हाँ भैया मैं तो सब तैयारी कर रखी है, आ जाओ आप। देखो मम्मी मेरा भाई आया है। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। और जा बेटा चाय पानी का कोई कर अरेंजमेंट है? हाँ जी मम्मी जी। और बेटा ठीक था घर पे? सारे ठीक थे। मैंने सोचा इन्होंने तो चक्कर लगाया नहीं, मैं जाया तू। अच्छा किया बेटा, चल आयो तो अब 2-4 दिन रहना। हाँ जी हाँ, मैं पूरे महीने भर के कपड़े लेके आऊंगा अपने साथ। अच्छा अच्छा। हाँ जी चल अच्छी बात है बेटा। और जीजा जी कहाँ हैं जी? बस बेटा आने वाला होगा, बाजार गया था। ये बेटा स्टील के गिलास क्यों लेके आई है, कप लेके आ। मासी जी मैं तो स्टील के गिलास में चाय पीता हूँ जी। अच्छा अच्छा ये आप थर्मोस में ले आए, जग में तो ना चाय ठंडी हो जाती है। बेटा कुछ और नाश्ता नुश्ता बना लेती। कोई बात नहीं मासी जी, ये तो बस चाय के साथ ऐसे ही खा लूंगा मैं। चल ले ले बेटे, खाना तो अभी बाद में खाऊंगा।
ठीक है ठीक है। और दीदी आपको याद था कि मेरे फेवरेट हैं गुलाब जामुन? हाँ भैया। मजा आ गया दीदी गुलाब जामुन खाते। और नहीं पड़े? पड़े हैं भैया, मैं आलू के परांठे बना रही हूँ। कोई बात नहीं, फिर परांठे के बाद खा लूंगा। और रात का खाना तो जीजा जी के साथ ही खाने जाऊंगा मैं बाहर। ठीक है भैया। चाय डाल दो दीदी। हाँ मम्मी। हाँ बेटा। मेरा साला बोल रहा है कि रात का खाना बाहर खाने जाना है आज। देख के लेके जा रहा बेटा। खाना तो ठीक है मम्मी, वो तो दारू तक पीता है। चल तू मत हाथ लगाना बेटा। अरे मैं कहाँ पीता हूँ मम्मी, कैसी बात कर रहे हो आप। एक ज्योति पहले कम थी, जो अब इसका भाई आ गया। और वो भी एक महीने के लिए बुलाया ज्योति ने पूरे। एक हाँ, महीना। हाँ अब ये दोनों भाई बहन पता नहीं क्या करेंगे। इसका कुछ तो मम्मी आज की आज ही हल सोचना पड़ेगा मुझे। चलो अब खाना तो खिला ला उसे जाके। चलो खाना खिला के लाता हूँ फिर। ज्योति घर पे ही है, वो नहीं जा रही साथ में। ठीक है ठीक है। हे भगवान कैसा साला है इसका। आजा आजा अंदर आजा। ध्यान से ध्यान से ओ ध्यान से यार ध्यान से। और रुक जा गेट तो लगाने दे मुझे। जीजा जी आज तो ना मजा आ गया यार। तुझे कहा था मैंने कि थोड़ी कम पी ले, कहाँ समझता है। मैंने तो अभी पी ही नहीं। पी ही नहीं, चल बैठ यहाँ पे, पहले मेरी बात सुनो आप। हाँ हाँ मुझे आज बहुत मजा आ गया, अब मैं एक महीना नहीं एक साल तक यहीं पे रहूंगा। चल एक साल तक रह लियो कोई बात। अब तो मैं आपका ही चेला बनते रहूंगा बस। कोई बात नहीं तू एक साल रह लियो भाई। आजा आजा। ओ देख यार बैठ बैठ यहाँ पे। अब तू आराम कर ले। जीजा जी दीदी को बोलना गुलाब जामुन दे जाए मुझे। बोल देता हूँ गुलाब। मेरे अच्छे जीजा जी, अरे यार, मेरे प्यारे जीजा जी। अरे बस कर लेट जा। हे भगवान। अरे क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं हुआ, राहुल है मेरा साला, दारू से टुन्नो के आया वहां से होटल में से। बिल पता है कितना बना है वहां पे? कितना? 25,000 वाली तो बोतल तोड़ दी इसने। यहाँ पे रख के ना ऐसे 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 डांस कर रहा था वहां पे। खा पी लिया था ना उसने सही तरह? खा पी लिया था कि लगी, 23,000 रुपए का बिल बना है खाने पीने का। आज तो ना हद ही पार होगी मम्मी बिल्कुल। क्या करें बेटा? आप ना कुछ ना करो, बस मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो बाहर। इसे उठा के फेंको गाड़ी में, इसे मैं अभी छोड़ के आता हूँ। नहीं जी मेरा भाई है। भाई है तेरा, तुझे चलना साथ में? नहीं 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 मैंने नहीं चलना साथ नहीं, में नहीं तुझे भी छोड़ आता हूँ। नहीं 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 उसी को ही छोड़ा हो आप। चलो फिर डलवाओ उसे गाड़ी में। चल बैग लेके आ उसका, जा आ जाओ मम्मी। ये देखो महाराज कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। चलो ज्योति उठा बैग इसका, गाड़ी में रख। आओ महाराज। अब तू सुधर जा बहू, वरना तेरा भी यही हाल होगा। नहीं नहीं मम्मी जी पक्की बात है ना? हाँ जी मम्मी जी। वरना इसे भी आज साथ ही छोड़ा इसे। नहीं नहीं मम्मी जी। ज्योति अपना भी बैग पैक कर ले तू। नहीं मम्मी जी। चल लेके आ इसे। चलो बस करो स्टोरी का एंड।
तो स्टोरी आप सभी को कैसी लगी, ये यहीं पे खत्म होती है, ज्योति इसके बाद सुधर जाती है। हमारा ना आज लड्डू बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, तो प्लीज आप थोड़ा इमेजिन कर लीजिए कि ज्योति सुधर गई और मैंने अपने साले को उसके घर पे छोड़ दिया। तो कमेंट करके जरूर बताना ये स्टोरी का, बस यहाँ पे आखिरी पार्ट है। साला आया एक महीने के लिए, पर हम इसे अब एक साल जाने नहीं देंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि स्टोरी आप सभी को कैसी लगी और किस किस का साला कितने दिन के लिए रहने आता है। बाय।